नमस्कार, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। वेवेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। ममता बनर्जी की अपील, भीख नहीं कर्ज मांग रही हूं। चुनाव आयोग का भाजपा से मिली भगत का लगाया आरोप, पैसे लूटने के साथ साथ राज्य में कोरोना फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। आज उन्होंने उत्तर दिनाजपुर जिले के चकुलिया विधानसभा क्षेत्र में पहली रैली की। इसके बाद दोपहर को वे हिमताबाद थाना के महाराजा हाट हाई स्कूल के मैदान में एक चुनावी रैली में शामिल हुई। यहां तृणमूल सुप्रीमो ने रायगंज, हिमताबाद, करंदगी और इटहर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मुझे कर्ज चाहिए, भीख नहीं। मैं लोगों से तृणमूल कांग्रेस को वोट देने और फिर से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान करती हूं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर बाहरी लोगों को राज्य में लाकर पैसे लूटने के साथ साथ कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा से मिली भगत कर चुनाव आयोग ने एक ही दिन में शेष मतदान नहीं कराया। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि 23 अप्रैल को मोदी जी की राज्य में एक जनसभा है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में तृणमूल की सरकार बनने के बाद घरों में राशन पहुंचाने से लेकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा भत्ता और किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने भाजपा को एक भी वोट नहीं देने का आह्वान किया। ममता ने कहा, अगर तृणमूल कांग्रेस नहीं जीती तो बंगाल खत्म हो जाएगा। गुलीर बदले हमरा बैलटर बदले এই বুলেটের বদলে আমরা ব্যালট চাই। বুলেটের বদলে আমরা ব্যালট চাই। গণতন্ত্রে মানুষ বিজেপিকে পরাস্ত করুন। তার কারণ আজকে যে কোভিড হচ্ছে এর জন্য বিজেপি দায়ী। গত 6 মাস ভ্যাকসিন দেয়নি, 6 মাস মেডিসিন দেয়নি, তাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আজকে আমার কোভিড শুরু হয়েছে। আপনারা সাবধানে থাকুন, ভালো থাকুন, আমি এইটুকু বলতে এসেছি। পরে আমি আবার সময় পাবো, আবার আসবো। এখন বক্তৃতা দিয়ে আমি বেশিক্ষণ লোককে আটকে রাখবো না। আমি কথা দিয়েছি আমি 15-20 মিনিটের মধ্যে শেষ করব। তাই বলি, খেলা হবে ইলেকশনে, খেলা হবে মা বোনেরা। তাহলে বিজেপিকে একটা করে গোল দিন আর মাঠের বাইরে বার করে দিন। মনে রাখবেন, ওরা দাঙ্গাবাজ, ওরা যুদ্ধবাজ, ওরা গুন্ডাবাজ, আর ওরা এক হাতে ঝান্ডা অন্যদিকে ডান্ডা, সাথে আছে কিছু ওদের তৈরি করা পান্ডা। আর মানুষ প্রতিবাদ করলে গুলি মেরে করলেও ঠান্ডা। এই বিজেপি আমরা চাই না, আমরা NRC চাই না, আমরা NPR চাই না, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা দাঙ্গা চাই না, আমরা অশান্তি চাই না। আমরা বিনা পয়সায় খাদ্য চাই, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য চাই, বিনা পয়সায় শিক্ষা চাই, বিনা পয়সায় শান্তি চাই, বিনা পয়সায় মা বোনের সম্মান চাই। আমার মা বোনেরা আমার গর্ব, মনে রাখবেন। আপনাদের সাথে আমি দেখা করতে এসেছি এটুকু বলবার জন্য, মা বোনেরা বেড়ে যোগ, তৃণমূলের সব ভোট, জোড়া ফুলের সব ভোট। আমি অনেক কিছু করে নিয়েছি, আগামী দিন আরও করে দেবো। যেহেতু কোভিড চলছে তাই আমি বেশি কথা বলবো না, আপনাদের বলবো মা বোনেরা ভোটটা দেবেন তো। জোড়া ফুলে তৃণমূল কংগ্রেসে কি আমার ভাইয়েরা দেবেন তো, কি আমার ভাইয়েরা দেবেন তো। আসুন আমরা মায়ের কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করি। ওম সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে তম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। মানুষ জিন্দাবাদ, বিজেপি হটাও, কোভিড হটাও, বাংলা বাঁচাও।
বিজেপি হটাও বাংলা সম্মান মনে রাখবেন কোভিড নিয়েও লড়তে হচ্ছে ইলেকশন নিয়েও আমি এখনো ইলেকশন কমিশনকে হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করব তিনটে ফেজ বাকি আছে পাঁচটা ফেজ হয়ে গেছে আপনারা একদিনে ইলেকশনটা করে দিন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আপনারা একদিনে না হলে দুদিনে করে দিন কিন্তু একটা দিনে অন্তত ফেজ করুন বিজেপির কথা শুনে সবটা দেয়ালি করবেন না মানুষের জীবন নিয়ে খেলবেন না এটা আমার অনুরোধ থাকবে ভালো থাকবেন দেখা হবে জয় হিন্দ জয় হিন্দ জয় হিন্দ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ জয়পুর জিন্দাবাদ জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা আগামী 22 তারিখ আজকে দিন ममता बनर्जी की अपील भीख नहीं कर्ज मांग रही हूं। चुनाव आयोग का भाजपा से मिली भगत का लगाया आरोप पैसे लूटने के साथ साथ राज्य में कोरोना फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। आज उन्होंने उत्तर दिनाजपुर जिले के चकुलिया विधानसभा क्षेत्र में पहली रैली की। इसके बाद दोपहर को वे हिमताबाद थाना के महाराजा हाट हाई स्कूल के मैदान में एक चुनावी रैली में शामिल हुई। यहां तृणमूल सुप्रीमो ने रायगंज हिमताबाद करंदगी और इटहर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मुझे कर्ज चाहिए भीख नहीं। मैं लोगों से तृणमूल कांग्रेस को वोट देने और फिर से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान करती हूं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर बाहरी लोगों को राज्य में लाकर पैसे लूटने के साथ साथ कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा से मिली भगत कर चुनाव आयोग ने एक ही दिन में शेष मतदान नहीं कराया। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि 23 अप्रैल को मोदी जी की राज्य में एक जनसभा है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में तृणमूल की सरकार बनने के बाद घरों में राशन पहुंचाने से लेकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा भत्ता और किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने भाजपा को एक भी वोट नहीं देने का आह्वान किया। ममता ने कहा, अगर तृणमूल कांग्रेस नहीं जीती तो বাঙ্গাল খতম হয়ে যায়গা কিন্তু কি করব ইলেকশন তো আটটা ফেজে করে দিয়েছে আমি এখনো ইলেকশন কমিশনকে আবেদন জানাবো আটটা ফেজে করে গায়ের জোরে বিজেপিকে সন্তুষ্ট করাতে গিয়ে যেহেতু প্রাইম মিনিস্টারের মিটিং আছে 23 তারিখ পর্যন্ত তাই টোটালটাকে কন্টিনিউ না করে সব মিটিংগুলো আপনারা কিন্তু একসাথে সব ইলেকশনগুলো করে দিতে পারতেন কিন্তু আপনারা করেননি তার কারণ প্রধানমন্ত্রীর মিটিং আছে 23 তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মিটিং কমপ্লিট করতে হবে তাই তার মিটিং যতক্ষণ কমপ্লিট না হচ্ছে তাতে মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হলো কি না হলো আপনাদের কোনো যায় আসে না আর আজকে কোভিড বেড়েছে তার কারণ হচ্ছে মা বোনেরা আপনারা জানেন গত 6 মাস কোভিড ছিল না ছিল গত 6 মাস কোভিড ছিল না এই নরেন্দ্র মোদী বাইরে থেকে বহিরাগত গুন্ডাদের নিয়ে এসে লক্ষ লক্ষ গুন্ডা বসে আছে বাংলায় আর তারা প্রত্যেকটা বাইরের লোক বহিরাগত প্রত্যেকটা তাদের প্রত্যেকটা কতজনের যে কোভিড আছে আমি জানি না এরা এসে এখানে টাকা ছড়াচ্ছে কোভিড ছড়াচ্ছে দাঙ্গা ছড়াচ্ছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করছে আমি রাজবংশী ভাই বোনেদের জিজ্ঞেস করি রাজবংশী ভাই বোনেরা আমার রাজবংশী ভাষা একাডেমিকে করে দিয়েছে আমি করে দিয়েছি রাজবংশী ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তাকে রিকগনিশন কে করে দিয়েছে আমি করে দিয়েছি পঞ্চানন বর্মা পঞ্চানন ঠাকুরের জন্মদিনে ছুটি কে দিয়েছে আমি করে দিয়েছি মনে রাখবেন আমরা পঞ্চানন বর্মার নামে আমরা ইউনিভার্সিটি করেছি আমরা ক্যাম্পাস করছি আমরা জেনে মানে পুরো যত কাজ আছে সমস্ত কাজ আমরা করছি জেটিএ যেটা আমরা বলি আর কি মানে একেবারে প্রথম থেকে লাস্ট অবধি মানে যত কাজ আছে আমরা কলকল বলি কাজই ওটা নয় এটা হচ্ছে যে আমরা এ টু জেড সব কাজটাই করে দিয়েছি সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার হেমদাবাদ মনে রাখবেন এমনই একটা জায়গা এটা সভ্যতার পীঠস্থান
गृह मंत्री अमित शाह ने कालियागंज में किया रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार सौमेन रॉय के समर्थन में रोड शो किया। वे आज दोपहर को कालियागंज कॉलेज मैदान पहुंचे थे। यहां से वे सुकांत मोड़ गए और वहां से फिर खुली छत की कार में सवार होकर रोड शो में शामिल हुए। अमित शाह के इस रोड शो में हजारों की संख्या में भाजपा समर्थकों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री के रोड शो के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना वायरस के मद्देनजर सिलीगुड़ी में राम नवमी के अवसर पर नहीं निकलेंगी शोभा यात्रा। देश भर में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर इस वर्ष राम नवमी के भव्य आयोजन में कटौती की गई है। राम नवमी महोत्सव समिति के सचिव रतन कुमार बागची ने सोमवार को एक पत्रकार सम्मेलन कर यह जानकारी दी और बताया कि देश भर के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष मनाए जाने वाले रामनवमी उत्सव को इस वर्ष छोटे आकार में आयोजित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, रामनवमी के अवसर पर 21 फरवरी को सिलीगुड़ी में विशेष उत्सव का आयोजन किया जाना था और शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया था, पर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शोभा यात्रा रोक दी गई है। उन्होंने राम भक्तों से अपील की है कि वे अपने घरों में राम नवमी उत्सव का पालन कर भगवान राम को याद करे। विभिन्न पद परिक्रमा करे हमारे हिंदी हाई स्कूले सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूले समाप्त होवे एवं पोशाक वितरण होवे सेई मतो हमारे समस्त प्रस्तुति चूड़ान्त हो गेछे। विभिन्न मठ मंदिर विभिन्न क्षेत्र থেকে আমাদের এক সমস্ত জায়গায় শোভাযাত্রাগুলো এসে থাকে। তারা তাদের নিজ নিজ ভাবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। আমরা এত সত্য এই ভয়ঙ্কর কোভিড-19 এর কারণে আমরা রামনবমী উপলক্ষে যে সমস্ত কার্যক্রম নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে শুধুমাত্র শোভাযাত্রা আমরা স্থগিত রাখার জন্য এবছরের জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রসাদ লগায়ে আপনে বচ্চোকে শ্রী রামজি কি জীবন কাল কে বারে মে সমঝায়। राम मंदिर के पाड़ा के मंदिर में सभी अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है, पाड़ा पाड़ा टोली लेकर छोटे रूप में और एक उत्साह से यह राम जन्म उत्सव का पालन करें। जो प्रोटोकॉल कोरोना काल में जिस पर फिर निवेदन करते हैं कि हर घर में 21 तारीख को भगवान ध्वज जरूर लहराएं। रेल यात्रियों को मास्क सैनिटाइजर वितरित। देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारतीय रेल ने रेल में सफर करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना आवश्यक कर दिया है। मास्क नहीं पहनने पर फाइन काटे जा रहे हैं।
रेलवे की ओर से जारी नियमों के अनुसार राज्य के किसी भी स्टेशन से बिना मास्क के ट्रेन पर चढ़ने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे के इस नियम के लागू होने के बाद आज पुलिसकर्मी बापन दास ने सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के सभी यात्रियों और ट्रेन के डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वस्थ नियमों के पालन का एक्चुअली भावनाटा गत लॉकडाउन থেকে ভাবছি কিন্তু বর্তমান যে সেকেন্ড ফেজে যে করোনাটা দাপট দেখা দিচ্ছে সেই জন্য একটু ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্যোগ আমি ভোট দিতে এসেছিলাম আমার বিধাননগরে তো আমি ভাবলাম যে না ট্রেনেই তো আমাদের এই উত্তর পূর্ব ভারতে যে প্রবেশদ্বার আমরা এনজেপি কে বলি সেখানে আমাদের সারা দেশ থেকে ট্রেন এখানে আসে গুয়াহাটি আগরতলা থেকে আসে সাউথ ইন্ডিয়া থেকে আসে তাই কিছু মানুষকে সচেতন করা যে নিজে বাঁচুন অন্যকে বাঁচান এই স্লোগান নিয়ে আজকে আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্যোগে এই কাজটা করছি এখন একটু বিরতি ফিরে আসি বিরতির পর अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन जापान? वी हैव एक्साइटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन इंडस्ट्रीज लाइक नर्सिंग, केयर गिवर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन जापान: बेटर पे पैकेजेस, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर एम्प्लॉय वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़-भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें ए से जेड तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कामिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ঘরের মেঝেকে চকচকে রাখুন ডিপস নিমল নিম হার্বালের সাথে, কারণ ডিপস নিমল নিম হার্বাল শুধু ঘরকে পরিষ্কারই রাখে না, নির্মূল করে দেয় 99.9% জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়াকে। ঘর পরিষ্কার রাখুন আপনিও, ডিপস নিমল ব্যবহার করুন। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। फिर पर आसी परवर्ती संवादे। सिलीगुड़ी में स्कूलों को किया जा रहा है सैनिटाइज। मतदान के बाद सिलीगुड़ी के विभिन्न स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। गौरतलब है कि पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी व उसके आसपास
में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 17 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के तहत दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में वोट डाले गए। सोमवार को विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फराबादी के सदस्यों द्वारा स्कूलों को सैनिटाइज। इलेक्शन हुए थे दो दिन आगे, जिससे अनेक लोग जमावट हो जगह जगह स्कूले, तो सैनिटाइजेशन हवा उचित। अनेक जन थुतु फेले रकम संक्रमण बाढ़ा बा कोरोना এখন বাড়ছেই করোনার কোড়িটা যেন স্কুল থেকে না বাড়ে। আর এছাড়া এখানে তিনটা পজিটিভ কেস ধরা গেছে আপনারা হয়তো জানেনও। সুতরাং চারটা স্কুল করলাম এই মুহূর্তে আমরা, ফারাবাড়ি থেকে নিয়ে হায়দেরপাড়া পর্যন্ত, আর এখন এই স্কুল করছি। এরপরে আজকে পরে 5-10টা স্কুল আরও করে ফেলাবো যেখানে অনেক ভিড় হয়েছিল। আর এই কাজ আমরা আজকে না গত এক বছর ধরে শুরু থেকে করে আসছি, আর এই বছরও শুরু থেকে আমরা আছি। জিস দেশ মে রহেঙ্গে উস দেশ কা মদত, উস রাজ্য কা মদত, আর সিলিগুড়ি মেরা শহর হ্যায় ইসকা মদত মেরা ধর্ম হ্যায়। মাস্কটা যদি প্রপারলি নাকের নিচে থাকে এখান পর্যন্ত পরা হয়, বাড়িতে গিয়ে মাস্কটাকে যদি ধুয়ে শুকিয়ে আবার আয়রন করে রিপিট পরা হয় প্রপারলি ভালো মতন, খালি দেখানোর মতন পড়লাম আবার ঠেলে দিলাম আবার নামিয়ে নিলাম, ওটা না, ওটা ভুল, তাহলে করোনা অনেকটা আমাদের কাছে আসতে পারবে না। একটু দূরত্ব রাখবো, ঠিক আছে, বারবার হাত ধোবো, একটা একটা ইঞ্জেকশনের কাজ করবে ওটা। আমরা তো দেখুন আজকে এখানে পজিটিভ জায়গায় এসেছি, তো কাজ করছি, তো আমাদের তো হয়নি এখনও, তার মানে হয়তো আমরা ঠিকঠাক মেনে চলছি। সবাই যদি মানুষ করোনাই মরে যাবে। হেলথ সোসাইটি অফ ফারাবাড়ি দীর্ঘদিন ধরে আগে অন্যান্য রকমের কাজ করছিল, গত বছর কোয়ারেন্টিন সেন্টার, হসপিটাল, মার্কেট, টিস্টারি সব জায়গায় করেছে, যেখানে পজিটিভ হয়েছে ভেতরে লোক ঢোকে না সেখানে আমরা কাজ করে আসছি, আজকেও করছি। আপনার নাম? অজয় টান্ডন, হেলথ সোসাইটি অফ ফারাবাড়ি, প্রেসিডেন্ট। सड़क हादसे में छात्रा की मौत के खिलाफ विद्यार्थियों ने किया सड़क जाम, दोषी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। अलीपुरद्वार के तापसीघाटा में कल तेज रफ्तार एक डंपर के सड़क किनारे घर में घुस जाने से एक छात्रा की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य घायल हो गया था। हादसे में छात्रा की मौत की घटना के खिलाफ सोमवार को विद्यार्थियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, साथ ही पुलिस प्रशासन से उक्त सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की मांग कर रहे थे। बताते चले कि कल तापसीघाटा में एक सड़क दुर्घटना में स्वप्ना बर्मन नामक एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई थी और पारुल रॉय नामक एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सिलीगुड़ी में नामी कंपनी के नकली बोतल बंद पानी बेचने का खुलासा, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस अंतर्गत माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर विशेष अभियान चलाकर एक कार में नकली ब्रांड का मिलावटी बोतल बंद पानी जब्त किया। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। माटीगढ़ा थाने की पुलिस सूत्रों के अनुसार उन्हें गुप्त सूत्रों से पता चला कि एक प्रतिष्ठित कंपनी के ब्रांड स्टिकर की नकल कर मिलावटी बोतल बंद पानी कार्टून में भरकर सप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया, साथ ही नकली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी की ओर से इस बारे में माटीगढ़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जो आमी হচ্ছে রিয়াজুল মল্লিক, বিসলাই এমপ্লয়ি এজ এ এসএম অফ নর্থ বেঙ্গল। তো আমরা অনেক ধরে জানতে পারছি যে আমাদের বিসলারি কিছু ডুপ্লিকেট জল, যারা আমাদের বিসলারির নাম নিয়ে মার্কেটে প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট করছে। তো এটা অনেকদিন ধরে জানতে পারছিলাম। তো গতকাল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা দেখলাম যে একটা গাড়ি বেরিয়েছে, এখানে 20 লিটারে বিস্কারি নিয়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। ধরেছি হচ্ছে খাপাইল মোড় মাটিগাড়া। এটা যখন ইনভার্স চেক করলাম, দেখলাম এটা আমাদের যে অ্যাকোয়ামিনাইল প্ল্যান্ট আছে এখানে একটা, তো ওইখান থেকে বেরিয়েছে। আচ্ছা, আমাদের এক্স আগে বিস্কারি প্ল্যান্ট ছিল। তো এর পর আমরা সোজা পুলিশকে কমপ্লেন করলাম। তো তারপরে আমরা জানতে পারলাম, দেখলাম লাইভে দেখলাম যে ওর মধ্যে যে বিসলারি আছে ওটা ডুপ্লিকেট বিসলারি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বিসলারি ব্র্যান্ড নিয়ে লোকাল জল ইউজ করছে। কমপ্লেন হয়েছে আমাদের যে এক্স যে ফ্যাক্টরি আছে অ্যাকোয়া মিনারেল বিভারেস, কি নাম, আমাদের কমপ্লেন করেছি গৌরব সুরানা। আচ্ছা, না না এখন মধ্যে কিছু হয় না, জাস্ট কমপ্লেন রেজ করলাম থানায়, ঠিক আছে, এফআইআর করলাম।